ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये यूट्यूब के डाउट ग्रुप में आया है और जिन्होंने पूछा है उनका नाम है साक्षी। क्या कहना है इनका कि ए और बी जो है एक बोट के ऊपर है जिस बोट का नाम है B1। उन्होंने एक और बोट जिसका नाम B2 है उसके ऊपर सी और डी को चैलेंज किया कि दम है तो जीत के दिखा। अब ये जो रेस होने वाला है बोट रेस वो है 50 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले ये जो बोट रेस है ये होगा 50 किलोमीटर का। ए और बी जिस बोट पे हैं इसका नाम है B1, सी और डी जिस बोट पे हैं इसका नाम क्या है B2। अभी और क्या दिया हुआ है कि ए और बी ने डिसाइड किया कि हम लोग 6-6 किलोमीटर करके चलेंगे। ए और बी ने क्या डिसाइड किया है कि देख भाई 6 किलोमीटर तक तुम रो करना, उसके बाद 6 किलोमीटर हम रो करेंगे। बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सी और डी ने क्या डिसाइड किया है कि देख उन लोगों को बोलने दे जैसे कर रहे हैं, तुम 1 घंटे चलाना हम भी 1 घंटे चलाएंगे। तो जहां ए और बी ने डिसाइड किया है कि हम लोग 6 किलोमीटर करके रो करेंगे, सी एंड डी ने डिसाइड किया है कि हम लोग 1-1 घंटे करेंगे, पहले 1 घंटा तुम फिर 1 घंटा हम, ऐसे करके चलेगा। ए और बी में जिसने रेस स्टार्ट किया है वो है ए, सी और डी में जिसने स्टार्ट किया है वो क्या है सी। अभी बात क्या है कि ए और सी जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं, वहीं बी और डी जो है आपका 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव को चला सकते हैं। तो हमें बताना है कौन सा नाव जीतेगा और कितना मिनट से जीतेगा। आइए देखते हैं। तो ए और बी वाले में अगर हम देखें तो देखिए ए पहले 6 किलोमीटर जाएगा, बी फिर से 6 किलोमीटर जाएगा, मतलब कि 12 किलोमीटर। अच्छा गुना 4 करेंगे तो 48 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब 48 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो ए भी 24 किलोमीटर चलाएगा, बी भी 24 किलोमीटर चलाएगा। लेकिन इसके बाद बारी किसकी है, बारी है ए की। तो बाकी का जो 2 किलोमीटर हुआ वो ए चलाएगा, तो ए टोटल 26 किलोमीटर रो करेगा एंड बी कितना है 24 किलोमीटर रो करेगा। तो नाव B1 को कितना टाइम लगा बताइए। 26 किलोमीटर रो कौन किया है, ए का रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर रो कौन किया है, बी, बी का रफ्तार 5.5 है, मतलब कि ये 11/2 कितना आ जाएगा ऊपर चला जाएगा। यहां से 55 LCM, 11 66 22 और 6 28 48 पच्चे 240 मिल के आ गया है 526/55। तो 526/55 आवर लगा B1 को पूरा कंप्लीट करने में। अभी आते हैं सी एंड डी पे। सी एंड डी का सीन क्या है कि सी एंड डी, सी बोला है कि देख हम तो 1 घंटा चलाएंगे तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाएगा, डी 11/5 या 5.5 लिख लेते हैं। तो 5 और 5.5 मिलके 5.5 का मतलब 5.5 ना, 10.5 किलोमीटर हो गया 2 घंटे में। अच्छा अगर इसको हम 4 से गुना करें तो 42 किलोमीटर हो जाएगा 8 घंटे में। 8 घंटे में 42 किलोमीटर हो गया है। जब 9वां घंटे की बारी आएगी तो सी आएगा 9 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 5 ऐड करके टोटल 47 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 9 घंटे में इन लोगों ने 47 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बाकी के 3 किलोमीटर के लिए कौन आएगा, डी आएगा। तो डी को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग 3 किलोमीटर में, यह तो 11/2 किलोमीटर जा सकता है 1 घंटे में। तो 3 किलोमीटर जाने के लिए 3/11/2 मतलब 6/11 घंटे लगेंगे इसे। अब जो सी एंड डी है इसको टोटल कितना टाइम लगा बताइए। 9 घंटा, 8 घंटा नहीं, 9 घंटा तो पहले से था, इसके बाद 6/11 घंटा और 99/6 105/11। तो इनको लगा है 105/11 घंटे। अभी हमें क्या करना है, इसको ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 525/11। एक बात बताइए, सी एंड डी को लगा है 525/11 और ए एंड बी को लगा है, अच्छा 11 नहीं 55, ऊपर नीचे हमने 5 से गुना किया ना तो 55, और ए एंड बी को लगा है 526/55। जीता कौन, तो आंसर है सी एंड डी जीत गया। तो एक बात तो पता चल गया कि B2 जो है वो जीत गया है, लेकिन कितना से जीता ये बताना पड़ेगा। तो 526/55 में से 525/55 माइनस करेंगे आ जाएगा 1/55 घंटे। 1/55 घंटे 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा होगा है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 1 मिनट। तो पता चल गया B2 जीतेगा 1 मिनट से जीतेगा,
उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ लीजिए। अगर पसंद आएगी तो फिर वही काम, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। यहाँ पे आपके मैथ का जितना भी डाउट्स वगैरह है उसका समाधान बहुत ही बेसिक से होगा, जल्दीबाजी में नहीं होगा।